तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस, केनरा बैंक Q1 2021-22 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी करते रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, जो रिजल्ट है वो करोड़ में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम्स की। तो कंपनी को इस क्वार्टर में 21,210.06 करोड़ की टोटल इनकम हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 21,522.6 करोड़ की, और लास्ट ईयर हुई थी 20,685.91 करोड़ की। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है, पर अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, तो कंपनी को इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस 15,459.40 करोड़ का हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था 15,820.05 करोड़ का, और लास्ट ईयर था 16,400.46 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स बिफोर पेइंग द टैक्स, तो कंपनी को इस क्वार्टर में 2,022.14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर में, तो कंपनी को लास्ट क्वार्टर में 1,568.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और लास्ट ईयर 459.11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द टैक्स, तो कंपनी को टैक्स पे करने के बाद इस क्वार्टर में 1,177.47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से ज़्यादा, लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से ज़्यादा है, जो कि था 1,010.87 करोड़, और लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो था 406.24 करोड़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर हम एक बार नज़र डालते हैं कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर पे, तो कंपनी को इस क्वार्टर में 7.15 की अर्निंग्स पर शेयर हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 6.14 की, और लास्ट ईयर थी 2.79 की। तो गाइस, रिजल्ट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा है और इसके स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। तो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सकें।